हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ एनसीईआरटी बुक, ठीक है। और हमारे पास आज यहाँ पे क्या है, एक नया टॉपिक है जिसका नेम आपका डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इससे पहले हमने देखा था जो डेरिवेटिव्स देखे थे, किसके देखे थे, इम्प्लीट फंक्शन देखे थे, एक्सप्लीट फंक्शन देखे थे, और उसके बाद हमने देखे थे लॉगरिथमिक फंक्शंस के देखे थे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने डेरिवेटिव्स को यहाँ पे स्टडी किया, ठीक है, इससे पहले वाले वीडियोस में। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे एक नया टॉपिक आपका पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है। डेरिवेटिव्स आप लोग जानते हो, फंक्शंस भी आप जो लोग जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो चीज़ समझने वाली है, ये आपका पैरामेट्रिक, पैरामीटर होते क्या है, ठीक है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म पे होगा आपका। तो जो पहले की वीडियोज में था, आपने इम्प्लीट और एक्सप्लीट इस टाइप के कुछ फंक्शंस देखे थे, उनमें आपका क्या होता था। देखो, अभी तक जो आपने पढ़े थे वन वेरिएबल्स में पढ़े थे, उनका डेरिवेटिव लिया था। मान लो आपके कोई फंक्शन थे वो ओनली एक्स के फॉर्म पे थे, ठीक है ना, उसका हमने डेरिवेटिव्स किया था, या वाई के फॉर्म पे थे, या फिर उसके बाद हमने देखे थे कि कोई भी फंक्शन आपके दो फॉर्म पे थे, ठीक है ना, जिसमें आपके एक्स और वाई दोनों के दोनों होते थे, उस फॉर्म पे भी हमने पढ़े थे। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो फंक्शन होंगे तीन फॉर्म पे होंगे, तीन चीजें होंगी उसमें, वेरिएबल कितने होंगे, तीन वेरिएबल होंगे, ठीक है, तो उनकी बात हम करेंगे। तो यहाँ पे जो थर्ड वेरिएबल होगा अदर देन एक्स एंड वाई, ठीक है ना, कोई भी हो सकते हैं हमारे पास, तो उनके अलावा जो जनरली यहाँ पे यूज किया जाएगा, आपका टी किया जाएगा, या थीटा किया जाएगा, या जेड किया जाएगा, तो इस टाइप की जो अदर जो थर्ड वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल को ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक बोलते हैं। वो जो वेरिएबल होगा वो एक्स के फंक्शन में भी होगा, वाई के फंक्शन में भी होगा, दोनों में आपके एक्स और वाई में दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा, ये पैरामीटर वाला, उसी को बोलेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है। एक देख लेते हैं इसकी थ्योरी में, एक्स इज इक्वल टू मान लो एफ टी है, एक एक्स के फॉर्म पे आपका, लेकिन जो एक्स से है इसमें जो आपका जो फंक्शन बना है किसके, टी के फॉर्म पे होगा, एक्स के अंदर की क्या होगा आपका, टी के फॉर्म का होगा ये फंक्शन, ठीक है। दूसरा फंक्शन ले लेते हैं वाई, वाई के उसमें लेते हैं तो ये बनता है आपका जी टी, जी टी के फॉर्म पे लेते हैं, यहां भी आपका क्या है, टी है। तो यहाँ पे देखो, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, और एक यहाँ पे क्या भी है आपका, t है अदर देन x एंड y, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे आप लोग एक चीज देख रहे हो, x और y में दोनों में क्या है आपका, t कॉमन है, तो यहाँ पे जो t होगा ये क्या होगा आपका, पैरामेट्रिक फंक्शन होगा, पैरामीटर होगा आपका, पैरामीटर कौन होगा यहाँ पे, t, क्योंकि ये x और y दोनों में है। तो यहाँ पे जो आपका ये है, ये इक्वेशन जो है आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म पे है, और इस पैरामेट्रिक फॉर्म का जो क्या करना है, अपने डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। तो डेरिवेटिव यहाँ पे जनरली हम लोग करते क्या है, dy अपॉन dx फाइंड करते हैं। तो यहां पर भी आपने dy अपॉन dx फाइंड करना होगा, ठीक है, y का x के रिस्पेक्ट में करना होगा, तो उसी को हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसकी प्रोसेस, सबसे पहले क्या करोगे आप, जो पैरामीटर होंगे उनके रिस्पेक्ट में इन दोनों इक्वेशंस को आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में करोगे, टी के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ डैश टी, और इसका डिफरेंशिएट करोगे टी के रिस्पेक्ट में, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू जी डैश टी, ठीक है। तो आपको पता चल गया, एक्स वाले का डिफरेंशिएट हो गया टी के रिस्पेक्ट में, वाई का भी डिफरेंशिएट हो गया टी के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमको आंसर जो चाहिए वो चाहिए वाई का डिफरेंशिएट चाहिए एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, इसको इस वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से डिवाइड कर दोगे आप, ठीक है, डिवाइडिंग दिस बाय दिस, तो डी वाई अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका कितना निकल जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, जो भी आएगी ये अपॉन ये वो आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो ऐसी आपने क्या करना है, इसी मेथड से आप इस टाइप की जो भी आपके फंक्शन होंगे उनका डिफरेंशिएट आप करोगे या डेरिवेटिव फाइंड करोगे, ठीक है। तो ज्यादा ये आपके समझ में आ जाएगा, देखो जब एक्सरसाइज करेंगे हम इसका, ठीक है। बात करते हैं अब एक्सरसाइज 5.6 है आपकी, इससे रिलेटेड जो भी बनेगा आपका 5.6 में बनेगा, ठीक है, उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे, और ये जो क्वेश्चन आएंगे आपके 4 मार्क्स में आते हैं, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये, इससे डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। तो बात करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स इज इक्वल टू 2a t की पावर 2, वाई इज इक्वल टू ए टी की पावर 4, ठीक है। इसका क्या करना है, आपने डेरिवेटिव्स फाइंड करना है, ठीक है, डी वाई डी एक्स फाइंड करना है। यहाँ पे आपका x और y क्या है, वेरिएबल है, और t क्या है, पैरामीटर है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग देखोगे विदाउट t को एलिमिनेट किए, विदाउट पैरामीटर को एलिमिनेट किए, इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx फाइंड करना है आपने, ठीक है।
ठीक है ना। तो इसको सॉल्यूशन करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे टी के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है ना। तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना होगा, 2 और a क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट कुछ होता नहीं यहाँ पे, जब वेरिएबल के साथ होता है वो क्या हो जाता है आपका बाहर निकल जाता है 2a, और d बाई डी एक्स डी बाई डी टी टी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करोगे आप टी स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर के कारण, और t का कितना हो जाएगा 1। इससे पहले एक लाइन और बनेगी, आप लोग उसको उस एक लाइन को करना, मैंने शॉर्ट मार दिया एक लाइन ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा dy अपॉन dt, a तो कांस्टेंट है वही रहेगा, t की पावर 4 का डिफरेंशिएट करोगे d बाई डी टी टी की पावर 4, एक लाइन ये बनेगी, इसको देखना आप लोग, इसको लिखना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो t की पावर 4 कितना हो गया 4t की पावर 3, ठीक है, इतना ही आ गया, इतना ही आ गया। अब क्या करना है, अगली जो प्रोसेस होती है इसको डिवाइड करना होता है इससे, नाउ डिवाइडिंग दिस इक्वेशन मान लेना इसको, डिवाइडिंग दिस बाई दिस, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकल जाएगा सब सीधे से, और इसको डिवाइड करोगे डी टी डी टी कट जाएगा, तो इसके अपॉन ये आ जाएगा आपका 4a t की पावर 3 अपॉन 4a t, ठीक है, 4a कट गया, t से t कटा, तो ये कितना आ गया आपका t स्क्वायर, सिंपल सा आंसर इसका, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा, ठीक है, यहां पे आप पैरामीटर कौन आपका थीटा है, ए और बी क्या है कांस्टेंट है, एक्स वाई भी आपके क्या है वेरिएबल है, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा, ये तो कांस्टेंट है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा बी कॉन्स्टेंट माइनस साइन थीटा कॉस थीटा का, डिवाइडेड दिस बाय दिस, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा कटा, बी अपॉन ए साइन थीटा कट गया, बी अपॉन ए आंसर इसका, ठीक है। तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या बोल रहे, देखो एक्स इज इक्वल टू साइन टी, वाई इज इक्वल टू कॉस टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स अपॉन डी टी कॉस टी हो गया डायरेक्ट, ठीक है, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस कॉस टू टी का कितना हो जाएगा माइनस साइन टू टी, एंड टू टी का कितना हो गया फिर आपका 2 हो गया, ठीक है, इसको आप डिवाइड कर दोगे इसको इससे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 साइन टू टी अपॉन कॉस जी, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 वेरा, देखो साइन 2t का फॉर्मूला लगेगा, साइन 2x आपको याद होगा, साइन 2x इक्वल टू क्या होता है 2 साइन x कॉस x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 2t का हो जाएगा 2 साइन t कॉस t इंटू 2 साइन t कॉस t अपॉन कॉस t कॉस t कैंसिल आउट, तो आंसर जो आएगा इसका 4 साइन t माइनस का, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अब ऐसे हम आगे के क्वेश्चन भी बना सकते हैं इसके, क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी आपका, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू इसका कितना हो गया फिर माइनस साइन थीटा माइनस और माइनस, एक माइनस तो ये आया एक माइनस डिफरेंशिएट का आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन टू कॉस टू थीटा का कितना हो गया आपका साइन टू थीटा और टू थीटा का कितना हो गया 2 हो गया, इधर कितना हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का कितना हो गया कॉस थीटा माइनस साइन टू थीटा का कितना होता है कॉस टू थीटा और टू थीटा का कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो ये फिर सॉल्व करते हो इसको तो ये बन जाना आपका, सीधे डिवाइड कर लो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो कितना आ गया ये कॉस टू थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा, सॉरी ये थीटा होगा कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा, ठीक है,
तो इतना ही आपका आंसर आ गया सिंपल सा, ठीक है, इतना ही बनेगा यार, ठीक है। तो ऐसे करके आपने ऐसे क्या करना है, इनको सॉल्व करना है आपने, इजीली बन जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसमें चाहो तो एक चीज़ और हो सकता है आपका, कॉस टू थीटा नहीं होगा इसमें, कॉस टू थीटा का गया, ठीक है, इतना ही छोड़ दो इसको। तो ये आपके सॉल्यूशन है। तो ऐसे आपने क्या करना है, इसके क्वेश्चन भी करने, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए आपका क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, 4 मार्क्स का इससे बनता है आपका। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।